खोल दिया था ना बेटा। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। तो जैसे कि आप सबके साथ हम एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसका एक लास्ट पार्ट है जो हम आपके संग शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज उसके लिए ज़रूरी था कि पेंटिंग बहुत अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। सो वही एक रीज़न था। और आज हम आप उसका लास्ट पार्ट, जो हमारी कॉफ़ी आर्ट चल रहा था, उसका आज आपको हम एक लास्ट पार्ट दिखा रहे हैं। राइट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता। हमारे गणपति जो हमने कॉफ़ी आर्ट में बनाए थे, उसके दो सेशन में हमने पूरा इसके ट्रेसिंग से लेके, बैकग्राउंड से लेके, आउटलाइन से लेके, फिर शेडिंग कैसे करनी है, आउटलाइन कैसे करनी है, पूरी पेंटिंग बनाई। राइट। अब आ गई थी बात कि इसको सील कैसे करें, क्योंकि इसको अगर आप गीला कपड़ा भी मार दोगे, अगर फ्रेम करा रहे हो देन इट्स ओके, आपने फ्रेम करा दिया फिर आप उस पर हाथ नहीं लगा रहे हो। लेकिन अगर ये कैनवस है, कई बार हम सिर्फ बाहर का फ्रेम कराते हैं, कोई ग्लास या कुछ ऊपर से नहीं लगाते, तब अगर किसी ने गलती से गीला कपड़ा मार दिया या इसके ऊपर खुला है तो डस्ट जमती जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी आपने हमेशा देखा होगा कि थोड़ी सी सीली हुई सी रहती है ना, बिल्कुल एकदम पत्थर नहीं हो जाती कलर की तरह, तो उसके ऊपर डस्ट जम जाएगी, पकड़ लेगी उसको। तो इसको सील करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे मानसी ने अभी बताया कि अगर मैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में अभी बारिश बहुत थी, तो अगर आप, बहुत तरह की वार्निश होती हैं, जैसे एक दिन अगर होगा तो पूरा फिर वार्निश पे ही सेशन रख लेंगे। एक आती है ये आर्टिस्ट वाली हमारी स्प्रे वार्निश, ये आप ऑयल पेंटिंग पे, एक्रेलिक पेंटिंग पे, किसी पे भी कर सकते हो, और ये बहुत अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं। आप अगर इसको करते हो तो आपको एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा कि आपकी पेंटिंग, चाहे वो एक्रेलिक पेंट हो, चाहे वो कॉफ़ी पेंटिंग हो, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो, बहुत अच्छे से वो ड्राई हो चुकी हो। अगर गीली होगी तो ये उसको फैला देगा, कलर को काट देगा और वो ख़राब हो जाएगा कलर आपका। तो बहुत अच्छे से टाइम दीजिएगा, जब वो सूख जाए तब आप उसको करिएगा। उसके बाद हमारी कैमलिन की भी आती है वार्निश, और भी बहुत तरह की आती हैं जो है। अगर आपको डल लुक चाहिए या आपको ग्लॉसी लुक चाहिए, आप उसके पर्पज से भी अलग अलग लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये PU भी आप कर सकते हो। मेरे पास है, मैं दिखा देती हूँ, ये एशियन का है, ठीक है, ये PU है, आप ये भी कर सकते हो। जो लोग अगर क्या करते हैं, वो हम डेकोपाज वगैरह करते हैं, उसमें आ जाता है, तो आपके पास ये होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्पेशली इतना महंगा मत खरीदिएगा। अगर आप काम करते हैं देन ओके, लेकिन अगर नहीं है तो मत खरीदना। मैं इस टाइम इसी पेंटिंग की बात कर रही हूँ। हमारे पास ये जो हार्डवेयर की शॉप होती है, बहुत नॉर्मली मिल जाती है आपको ये जो वार्निश होती है उनकी, आजकल टच वुड के नाम से भी आती है, वुड वार्निश के नाम से आती है, इसकी छोटी डब्बी भी मिल जाती है। ये आप कहाँ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते जहाँ आपकी स्किन, आपने बहुत ही फेयर स्किन दिखाई हो, वाइट कलर आ रहा हो, क्योंकि ये अपना थोड़ा पीलापन छोड़ती है। कई वार्निश, कई पेंटिंग्स हमारी ऐसी होती है जो समय के साथ जब ये वार्निश अपना कलर डार्क करती है वो और भी खूबसूरत हो जाती है। तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे, मैं सच बताऊँ, मैंने तो इसे कैनवस पे, वुड पे, सब पे किया है, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, जहाँ आपको वाइट कलर दिखाना है वहाँ आप इसको यूज मत करना, क्योंकि कितनी भी आप क्लियर वार्निश लेते हो हल्का सा एक क्रीम कलर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका तो हमारा है ही कलर वो, तो इसमें ये यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, मानसी बता देगी। ये सब आपको हेलो बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं गणपति की पेंटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। और कितने सारे लोगों ने हमें बना के भी भेज दी, एक की तो पेज पे आ भी गई, और जो कुछ लोग थे, किसी की धोती में थोड़ा सा अभी बूटी वर्क रह गया, इतना अच्छा लग रहा था, वो लोग कह रहे थे हमने कभी पेंटिंग ही नहीं की, कभी कलर्स के साथ नहीं किया, लेकिन कॉफ़ी देख के मन किया कि एक बार चलो ट्राई करते हैं, और बहुत खूबसूरत बनी है। सबके छोटे छोटे से काम रह गए हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ज़रूर इस पेज पे डालेंगे। तो ये देखिए, बस ये रहा, ये वार्निश है, ये आपको हार्डवेयर पे आराम से मिल जाएगी। जब भी आप कोई भी पेंटिंग पे वार्निश यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा। हम लोग, मेरे को तो इतना सही काम बचा था, मैं चाहती मैं दो दिन पहले भी आ जाती, लेकिन वो अच्छे से सूखी नहीं थी तो ख़राब हो जाती। ये देखिए, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक आपको इस तरह से चलना। वार्निश का ब्रश
हाथ के हाथ जरूर साफ करके रखना। हम लोग क्या करते हैं गलती कि उसको डिप करके छोड़ देते हैं कि अब ये भीग जाएगा फिर हम साफ कर देंगे, बिल्कुल ऐसा मत किया करो। दो तीन अलग अलग बर्तन में, मतलब किसी भी बोल में अलग अलग लिया करो आप थिनर और वो केरोसिन। एक बार जब आपने एक में से साफ किया, हाथ के हाथ निकाल के उसको दूसरे में किया करो, फिर तीसरे में, तो थोड़ा थोड़ा खराब करो, सारे में एक साथ मत करो, और उसको पोंछ के फिर दूसरे में डालो। तो पहले वाला थोड़ा ज़्यादा खराब हो जाता है आपका, दूसरा उससे कम और तीसरा काफ़ी ठीक रहता है। और उसको हाथ के हाथ फिर पोंछ के ब्रश को रखा करो। ब्रश कैसे क्लीन करें उसके ऊपर पूरा एक वीडियो हमने बनाया था, आई होप आप लोगों ने देखा हो, जिसका मिस हो गया हो तो पेज पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कि अलग अलग तरह के जो ब्रश खराब हो गए, बहुत साल से भी खराब हो गए, उनको भी ठीक करना हो तो कैसे करें। हेलो हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। ये हमारी गणपति पेंटिंग का आज लास्ट वीडियो था जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप अब आप में से जो जो लोग इसको ट्राई करने वाले हैं वो इसको ट्राई करिए, चाहे गणपति बनाइए या कुछ और चीज बनाइए। जब भी वार्निश को यूज कर लें तो उसको अच्छे से टाइट बंद करना, क्योंकि जैसे ही आपने उसको लूज बंद किया तो उसके ऊपर एक पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, जो अपने साथ जो फ्रेश भी होगी उसको भी जमाना शुरू कर देगी, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो टाइट बंद किया करो। तो ये रहा, अभी टेढ़ा करूंगी तो सारा गंदा हो जाता है, आपको साफ दिखाई दे रहा हूँ। बस एक कोटिंग करनी थी मेरे को, अब ये सील हो जाएगा, जैसे ही सूख जाएगा उसके बाद आप इसको कैसे भी यूज करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, क्योंकि ये सील हो चुका होगा। इसमें जो नंबर 1 और 2 और ये हमारे तीनों थे, हमने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे, थैंक यू पहले तो कि हमारे सारे वीडियो शेयर करते हैं, तो थैंक यू सो मच मेरे और मानसी की तरफ से। तो हमने कहा था उन दोनों में काफ़ी लोग हमें दिखे जो दोनों वीडियो शेयर कर चुके हैं, और आज वाला ये वाला भी जो होगा तो मैं उसमें से निकाल के और यहीं पे ही चाहे उनका नाम पोस्ट कर देंगे या जैसा भी आप लोग बोलो तो कर सकते हैं, दोनों में से निकाल के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और नाम यहाँ पे आएगा तो आपको दिखाई दे जाएगा कि वो तीनों में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे शेयरर थे, हमने बोला था जो मेरा पेड ग्रुप था गणपति जी का, बहुत प्यारा एक गणपति म्यूरल था, वो पेड ग्रुप है, जो भी हमारे तीनों वीडियोज़ के शेयरर थे उन्हें थैंक्स करने के लिए हम उस ग्रुप में उनको, यहाँ मैं नाम मानसी पोस्ट कर देगी जो भी होंगे, तो उनको उस ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे, और आप लोग वो पेंटिंग सीख के पूरा जो गणपति जी का म्यूरल है आप खुद से बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बस एक ही रह गया था, यूट्यूब पे भी बहुत लोग लिख रहे थे और यहाँ पे भी कि मैम सील करना है वो बता दीजिए कैसे करें। तो बस ये सिंपल सा तरीका है, आपको मैंने सारे ऑप्शन दिए हैं, आप स्प्रे वाला ले सकते हो, आप ग्लॉसी ले सकते हो, आप डल ले सकते हो, और आप इसको सूखने दीजिएगा, जब तक ये अच्छे से ना सूखे तो इसको खड़ा मत कीजिएगा, नहीं तो वो नीचे टपक के लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बस आपको ये बताना था इसीलिए आए थे, और अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बांटते रहिएगा। थैंक यू, फिर जल्दी से मिलेंगे आपके साथ किसी नई चीज़ के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।